तो गाइस मैं कब से वेट कर रहा था कि ब्रोकलो में कब बर्फ गिरेगी। मेरी गाड़ी आज तो पूरी भाई बर्फ से ढक गई है। सो फर्स्ट आई नीड टू क्लीन दिस। तो यहाँ पे पोलैंड में लोग कुछ ऐसा यूज करते हैं। अभी ठंड में लग रही है यार, मतलब काफी बुरा हाल हो गया भाई स्ट्रीट का। ये जो कीचड़ हो जाता है ना बर्फ के बाद। गाइस ये लोकेशन मेरे घर के जस्ट पीछे है और देखो भाई क्या नजारा है यार। कितना प्यारा लग रहा है भाई। बाहर चलते हैं, आपको दिखाते हैं क्या हो रहा है सीन। और गाइस आज का जो मेरा मेन काम है वो है हार्ड डिस्क फिक्स कराना, बिकॉज इसमें मेरे बहुत सारे व्लॉग्स के फुटेज है भाई जो मैंने अभी तक अपलोड नहीं करे हैं, और ये मेरे मैकबुक में शो नहीं कर रहा है, इट्स नॉट डिटेक्टिंग। तो भी चलते हैं शॉप पे, फिर दिखाते हैं भाई क्या सीन है और क्या बोलता है बंदा। 5 TB का हार्ड ड्राइव है और बहुत सारे फुटेज है भाई इसमें। इसमें जो चीजें वो बाहर आ गई ना, मतलब तो धमाल हो जाएगा भाई। वाओ। तो गाइस मैं कब से वेट कर रहा था कि ब्रोकलो में कब बर्फ गिरेगी। पोलैंड के बाकी शहरों में स्नोफॉल हो चुका है ऑलरेडी, पर ये देखो भाई क्या है ये। वाह, डीप है भाई ये। तो गाइस ऐसे बर्फ पर चलना इज़ नॉट वेरी प्लीजेंट, बिकॉज जब शूज स्लिप होते हैं ना भाई तो काफ़ी बुरा लगता है। मेरी गाड़ी आज तो पूरी भाई बर्फ से ढक गई है। सो फर्स्ट आई नीड टू क्लीन दिस। आप देख सकते हो कितनी बर्फ है ये। अगर आप ड्राइव करते हो पोलैंड में और स्नोफॉल के दिनों में अगर आपकी गाड़ी ऐसे बर्फ से ढकी हुई है, तो फर्स्ट आपको स्नो क्लीन करनी है। तो ऐसा हो सकता है कि अगर आप ड्राइव करोगे तो ये स्नो उड़ के दूसरे के विंडशील्ड पे चल जाएगी, एंड देन एक्सीडेंट हो सकता है भाई। क्लीन नहीं करते हो बिना क्लीन की गाड़ी ऐसे चलाओगे आप, तो फाइन है 500 zloty कुछ के आसपास। तो उससे बचने के लिए भाई पहले क्लीन करते हैं। तो यहाँ पे पोलैंड में लोग कुछ ऐसा यूज़ करते हैं और आप भी ऐसा यूज़ कर सकते हो। कुछ नहीं करना भाई इससे, बस साफ करना है। कार लेने का प्लान कर रहे हो तो ये सब भी करना पड़ता है भाई। मतलब ठीक है कार का अपना कंफर्ट है, पर आप जब ये सफाई करोगे ना तो अभी ठंड में लग रही है यार, पर करते हैं सफाई करते हैं। मुझे रात से लग रहा था कि आज तो बर्फ गिरने वाली है, इतनी गिरेगी इसकी उम्मीद नहीं थी भाई। क्या मैं तो सफाई करते करते अभी थक गया है, मतलब अभी हल्की सी भी नहीं हटी है स्नो। दिस इज नॉट ईजी। अगर आप कहीं ट्रैवल कर रहे हो, कहीं इमरजेंसी में जाना है, ऑफिस जाना है, तो आधे घंटे पहले निकलना है आपको घर से और ऐसे बर्फ सफाई करनी है भाई। ये मतलब मैं लाइफ में पहली बार कर रहा हूँ। इट विल बी माय फर्स्ट एक्सपीरियंस टू ड्राइव इन स्नो। मैंने आज तक ऐसे स्नो में ड्राइव नहीं करी है पोलैंड में। तो देख रहे हो ना भाई, स्ट्रगल इज रियल। ये सब भी करना पड़ता है यहाँ पे। अभी खाली उस तरफ का हुआ है, अभी इस तरफ का पूरा बाकी है। तो करते हैं भाई फिर से। फाइनली आ गया अपनी लोकेशन पे और अभी पार्किंग टिकट लेनी है भाई। पार्किंग टाइम के हिसाब से होती है, आपको जितने टाइम के लिए नहीं उतना पैसा पे करना पड़ेगा, और यहाँ पे प्राइस लिखा हुआ है। अपन बस कार्ड से पे कर देते हैं। मतलब गाइस मेरे एक्सपीरियंस से, मैं ऐसे झूठ नहीं बोलूँगा भाई, मेरे एक्सपीरियंस से यहाँ से पार्किंग वैसे चेक होती नहीं है टिकट, पर तब भी इज़ नॉट सेफ टू टेक रिस्क, बिकॉज अभी भाई ऐसे गाड़ी टो हो जाएगी तो फालतू को पैसा वैसा लग जाएगा भाई। ब्रश हम नहीं हटेंगी। हाँ तो मैं ये बोल रहा था कि भाई ऐसा होता है ना कि या फिर गाड़ी में वो लॉक लगा देते हैं ना वो फ्रंट व्हील में, तो वो सबसे बचने से अच्छा है भाई ले लो 2-3 zloty, डजंट मैटर। काफ़ी बुरा हाल हो गया भाई स्ट्रीट का। ये जो कीचड़ हो जाता है ना बर्फ के बाद, आपके शूज़ गंदे होते हैं, पैर स्लिपरी होता है। तो गाइस मुझे आज भी वो दिन याद है जब मैं पहली बार पोलैंड आया था। इट वॉज माई फर्स्ट टाइम टू सी दिस स्नो। काफ़ी अच्छा लगा था भाई, मैंने लाइफ में पहली बार ऐसे स्नो एक्सपीरियंस करी थी। और मुझे पता है आप में से बहुत लोग अभी पोलैंड आए होंगे, तो आपको भी कुछ ये नया लग रहा होगा। तो कितना प्यारा लग रहा है पीछे पार्क, मतलब स्नो ऐसे इन्जॉय करने में काफ़ी अच्छा लगता है। पर ठंड भी उसी हिसाब से होती है, तो यू शुड टेक योर प्रोटेक्शन, मतलब हैट वगैरह पहनिए, ग्लव्स पहनिए। मेरा एक्चुअली ग्लव्स कार में छूट गया, तो कोई बात नहीं भाई। यहाँ पे ऐसे पार्क में पीछे बच्चे भी खेल रहे हैं भाई, मतलब इनको भी अच्छा लगता है, पोलिश लोगों को भी। शॉप तो ये हार्ड ड्राइव की आईटेक, चलते हैं अंदर फिर दिखाते हैं। आई होप कि फिक्स हो जाए भाई, बिकॉज बहुत सारे फुटेज है मेरे उसमें। बेकार हो गया भाई, इसको फेंकना ही पड़ेगा। तो गाइस मैंने अपनी हार्ड ड्राइव चेक करा ली, उस बंदे ने बोला कि उसका डिस्क हेड पता नहीं क्या होता है भाई हार्ड ड्राइव का, वो टूट गया है। तो बोला कि अगर आपको डाटा रिकवरी करना है इसमें से, तो इट विल कॉस्ट यू अराउंड 4000 zloty to 5000 zloty, तो मतलब 4-5000 zloty इज़ लाइक 1 lakh Indian rupees। उस हार्ड ड्राइव में मेरे बेसिकली बहुत सारे रॉ फुटेज हैं, पर मैं बोला भाई इतना वर्थ नहीं है टू स्पेंड 4-5000 zloty।
उतनी तो भाई अर्निंग भी नहीं होती है यूट्यूब से। कहीं और ट्राई करेंगे इस हार्ड ड्राइव को फिक्स कराने का, अगर नहीं होगा तो आई विल गिव अप। मुझे लगा नहीं था कि इतना खर्चा आ जाएगा भाई। और मेरे पास एक और SSD है, तो SSD मैंने अभी रिसेंटली परचेस करी ब्लैक फ्राइडे पे। आई एम रियली डिसअपॉइंटेड, पता नहीं कैसे खराब हो गया। ऐसा भी नहीं कि कभी गिर गया था हार्ड ड्राइव या फिर कुछ और, एक्सटर्नल डैमेज तो कुछ नहीं है, पता नहीं इंटरनल डैमेज क्या आ गया भाई। हो जाती है भाई, टेक्निकल चीज़ें हैं। तो आप पार्क का व्यू इंजॉय करिए, ऐसा कुछ दिख रहा है भाई, हर जगह खाली स्नो ही स्नो। तो गाइस अब अपडेट ये है, मेरे को नेक्स्ट लोकेशन जाना है टू अ मॉल टू बाय एयरपॉड्स, बिकॉज नेला का बर्थडे आ रहा है तो मेरे को कुछ गिफ्ट देना पड़ेगा ना भाई। शी गेव मी दिस एप्पल वॉच जो मैं पहना हुआ हूँ अभी। शी इज वांटिंग टू बाय एयरपॉड्स फ्रॉम लॉन्ग टाइम, तो मैं बोला भाई मैं गिफ्ट कर दूंगा। अभी जो न्यू एयरपॉड आया है एयरपॉड्स 3, तो गाइस चलते हैं अभी मॉल में, फिर आपको दिखाते हैं कि एप्पल प्रोडक्ट्स के प्राइसेस क्या हैं अभी पोलैंड में फिलहाल इन 2022 के एंड में। कुछ अगर डिस्काउंट वगैरह मिल गया वो तो बेस्ट रहेगा। मतलब काफ़ी अच्छा लग रहा था रात में जब स्नो गिर रही थी, और अभी तो ऐसे ही भाई पूरा पानी पानी कीचड़ हो गया है। बिकॉज ऐसा होता है ना, जब स्नो गिरती है तो एक क्लियर जम जाता है स्नो का, फिर जब स्नो मेल्ट होती है और यहाँ पे सॉल्ट वगैरह फेंकते हैं रोडों पे ताकि लोग की ग्रिप बना रहे, और उसके बाद जो कीचड़ ऐसा मेसी स्लश बनता है ना, दिस इज़ वेरी अनोइंग, पर क्या कर सकते हैं। जो लिविंग इन पोलैंड तो एक ही सेशन होगा कि वेयर प्रॉपर विंटर शूज़। तो सारे कार का ये हाल हो गया भाई, पूरे स्नो कवर्ड। एक काफ़ी शॉकिंग चीज़ लगी थी पोलैंड के बारे में, जब मैं यहाँ पे आया नया नया तो मेरे को लगा भाई इतनी ठंड पड़ रही है, स्नो गिर रही है तो आज से छुट्टी। मतलब ऐसे इंडिया में होता है ना कि अगर बहुत ठंड पड़ती है तो स्कूल कॉलेजेस की छुट्टी हो जाती है, पर यहाँ पोलैंड में ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहाँ पे आप देख सकते हो लाइफ नॉर्मल है, कहीं भी ठंड पड़े कुछ बंद नहीं होता भाई, लाइफ नॉर्मल चलती है। तो गाइस ऐसा ही है, लोग अपने अपने काम पे जा रहे हैं, कोई कहीं जा रहा है, कोई स्कूल जा रहा है, और मैं तो खाली बैठा हुआ हूँ आजकल। मतलब ये चीज़ मेरे को काफ़ी शॉकिंग लगी थी कि भाई इतनी ठंड पड़ रही है तभी भी सब कोई घर से बाहर निकल रहा है। आज मैंने पहली बार ड्राइव करी भाई स्नो पे ऐसे रोडों पे, तो अभी तक तो टायर सही चल रहा है, अभी टायर लगा हुआ है, दिस इज ऑल सीजन। और मैं सोच रहा हूँ न्यू टायर परचेस करने का, बट इट कॉस्ट मी अराउंड 40,000 इंडियन रुपीज़, अराउंड 1800-1900 पुलिस लॉटी। तो उतना पैसा है नहीं भाई, अब पैसा आएगा तो कराएंगे। और ऐसे विंटर में मैं गाड़ी बहुत कम ही चलाता हूँ, आई ड्राइव ओनली वे इज नीडेड। क्या प्यारी 4x4 जा रही है। ट्रैफिक कुछ ज़्यादा ही है ब्रॉकलो में, पता नहीं क्या हो गया है। आज पहले दिन स्नो गिरी है तो पीपल आर ड्राइविंग केयरफुली, अच्छी बात है भाई। आई फाइनली आ गया अपनी लोकेशन पे, एंड दिस इज़ द मॉल बिहाइंड मी, इस नेम इज़ CH मरीनो। काफ़ी डिसेंट मॉल है, ऐसा ज़्यादा कुछ ऑप्शन नहीं है, पर यहाँ पे मीडिया एक्सपर्ट था तो मैं बोला भाई यहीं से आज पिकअप कर लेते हैं एयरपोर्ट्स। उनके वेबसाइट पे शो कर रहा था कि यहाँ पे अवेलेबल है स्टोर में। एंड द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस मॉल इज ये भी खाली रहता है काफ़ी। वैसे भी आज वीकडे है तो भाई लोग क्या ही आएंगे शॉपिंग के लिए। 5 लोटी का हैंड वॉश मिल रहा है भाई, ले ही लेते हैं। पॉट्स एंड पैंस, मतलब काफ़ी सारे टूल्स के ऑप्शन है यहाँ पे, और मैंने लिया एक ग्लू। मेरे शूज़ फट गए थे भाई तो इसे ट्राई करेंगे स्टिक करने का। यहाँ पे सारे तरह का लेस मिल रहा है भाई, इज ऑल फ्रॉम UK। तो अभी मैं इस स्टोर में था डील्स, बहुत प्यारा स्टोर है भाई, अगर आपको कुछ भी डिस्काउंट पे लेना है, इफ़ यू वांट समथिंग टू बाय फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज लाइक UK वगैरह तो वहाँ से ले सकते हैं। तो वैसे यहाँ मॉल में ऐसे वीट के रोल्स जॉइंट्स वगैरह मिलते हैं भाई। हाउ मच इज दिस, 1 ग्राम इज फॉर 45 लॉटी। यहाँ पे सब प्री रोल जॉइंट्स वगैरह सब कुछ है भाई, और यू कैन पे बाय कॉइंस और यू कैन पे बाय कार्ड। देखिए काफ़ी अच्छा लगता है कि पोलैंड एडवांस कर रहा है भाई। चलते हैं अपना एयरपोर्ट से लेने, ये शॉपिंग तो हो गई थोड़ी सी। जाने वाला हूँ मीडिया एक्सपर्ट, इज वेरी गुड इलेक्ट्रॉनिक स्टोर। गाइस बहुत बड़ी इलेक्ट्रॉनिक स्टोर है, सब कुछ मिलता है यहाँ पे, और अभी सब कुछ डिस्काउंट में लग रहा है। ये है क्या वैसे, हेयर ब्रश। तो ये मिल रहा है एप्पल का मैकबुक एयर, एंड दिस इज़ फॉर 5,499 लॉटी। मिल रहा है एप्पल का मैकबुक प्रो, 8,699 लॉटी। इसमें एप्पल की M2 चिप है भाई, तो काफ़ी प्यारा है। कैसे हम फाइनली आ गए एयरपोर्ट्स के सेक्शन में, और यह है एयरपोर्ट्स नॉर्मल वाला 699, और यह है एयरपोर्ट्स प्रो, दिस इज 999। यहाँ पे आपको ऐसे दूसरे कंपनीज के भी एयरपोर्ट्स मिल रहे हैं।
आपको यहाँ पे सारे कंपनी के ऐसे लैपटॉप मिल जाएंगे, तो काफ़ी सही डील है भाई। फाइनली मिली गया एयरपोर्ट्स, इट कॉस्ट 849 ब्लॉक। जो उतना आइडिया नहीं है कि इंडिया में इस एयरपोर्ट्स का प्राइस क्या चल रहा है, तो लेटेस्ट थर्ड जनरेशन एयरपोर्ट्स प्रो नहीं है, नॉर्मल वाला है। अब चलते हैं भाई मैकडॉनल्ड्स, काफ़ी भूख लग रही है। दिस मैकडॉनल्ड्स वेरी क्लोज टू माय हार्ट बिकॉज मैं यहाँ पे जॉब करता था नाइट शिफ्ट, तो ऐसा लगता है ना एक साल में कितना कुछ बदल गया भाई। तभी मैं गया था अंदर मैकडॉनल्ड्स में और अजीब सी फीलिंग आई भाई, आई सॉ मेनी पीपल हु स्टिल वर्क देयर। एक साल से ज्यादा हो गया और आज भी वो लोग वहीं काम कर रहे हैं और काफी अच्छा लगता है मिलके, पर हाँ एक अजीब सी फीलिंग आई। मतलब कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है भाई, आप भी हार्ड वर्क करो और सब कुछ भाई ड्रीम्स अचीव होंगे। मुझे आज भी याद है वो दिन जब मैं रात में नाइट शिफ्ट करता था और सुबह काम खत्म करके आई यूज्ड टू गो टू यूनिवर्सिटी, तो काफी हेक्टिक था भाई स्केड्यूल, पर हाँ करना पड़ता था भाई। कमिंग टू पोलैंड एंड इफ यू वांट टू गेट अ पार्ट टाइम जॉब, सो मैकडॉनल्ड्स इज वन ऑफ द बेस्ट प्लेस बिकॉज दे हायर इंटरनेशनल पीपल, दे हायर फॉरेनर्स। तो अगर आप मैकडॉनल्ड्स में जॉब करनी है पार्ट टाइम जॉब, तो आपको लैंग्वेज की कोई इशू नहीं है। अगर आप इंग्लिश बोलते हो ढंग से तब भी आपका हो जाएगा भाई, एक छोटा सा इंटरव्यू लेते हैं वो और कुछ पैसे कमा सकते हो, यू कैन अफोर्ड योर लिविंग एक्सपेंसेस। मतलब मैकडॉनल्ड्स में ऐसे कुछ खास आपकी अर्निंग नहीं होगी, पर हाँ इतनी होती है कि आप सर्वाइव कर सकते हो पोलैंड में, यू कैन बेयर योर एक्सपेंसेस। मतलब जितना आपका खर्चा होता है ना मंथली, उतना खर्चा निकल जाता है भाई, तो यही तो आप खाते हैं। हाँ तो भाई मैंने ये लिया मैकडॉनल्ड्स से एक मील। ये लोकेशन मेरे घर के जस्ट पीछे है और देखो भाई क्या नज़ारा है यार, वाओ मज़ा आ गया देख के। इस तरफ एक छोटा सा पार्क है और आपको दिखाते हैं नज़ारा, काफ़ी ऐसे अंधेरा हो गया है पर आई एम ट्राइंग टू व्लॉग विथ माई आईफोन। यहाँ से ऐसा व्यू है भाई, ये पूरा पार्क है पूरा ढक गया है भाई इसमें से, प्यारा लग रहा है। तो गाइस सब जंगल वगैरह देख के मेरे को ऐसी फीलिंग आती है कि यहाँ से शेर वगैरह ना आ जाए भाई, पर आप ऐसे कोई टेंशन नहीं है पोलैंड में, देर आर नो एनिमल्स। इतनी ठंड है भाई, एनिमल्स क्या सरवाइव करेंगे। और कुछ ऐसा सा नज़ारा है भाई मेरे घर के पीछे, जस्ट प्रीमियम फॉर दिस वीडियो। आई रियली होप कि आपको भाई ब्लॉग देख के काफ़ी मज़ा आएगा, आई ट्राइड माई बेस्ट टू ब्लॉग। और ऐसे ही भाई काफ़ी ठंड हो गई है भाई, का सपोर्ट करो भाई, एक लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना बिकॉज बहुत लोग मेरे चैनल देखते हैं और सब्सक्राइब नहीं करते हैं भाई, तो अच्छा लगता है सब्सक्राइब करना। मिलते हैं फॉर मेटल फ्रॉम पोलैंड पीस, और मिलते हैं भाई पीस पीस। काफ़ी ठंड लग रही है, अंदर चलते हैं पीस। Yeah, well, I know.